ये संसार है, यहां पर आंधियां आएंगी, चलेंगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे और तमाम प्रकार की त्रासदियां यहां पे होनी है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वो विधान में है, परमेश्वर के प्लान में है, वो चीज होगा क्योंकि लिखा है। हम अंतिम समयों में जी रहे हैं क्योंकि बाइबल लिखा है। जैसे जैसे टाइम व्यतीत होगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे वैसे हमारे सामने कठिन चीजें आएंगी। कैसी चीजें आएंगी समझो, जैसे जैसे वक्त बीतेगा समय कठिनाई का आएगा। पर एक बात याद रखो, उन कठिनाइयों से बड़ा आपका प्रभु होगा, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। ये बात नहीं भूलना, जहां पे ये लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तीमुथियुस लिखता है, वही ये भी याद रखना कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने चाहने वालों के ऊपर अपने आप का बड़ा प्रकाशन और प्रगटीकरण भी तेजी से देंगे, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। रूहें बचेंगी, आत्माएं बचेंगी, बिल्कुल चिंता नहीं। अभी सीधा सीधा प्रभु कह रहे हैं, नए सत्र के लिए डरना नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु अपनी शांति हमें देंगे, उसने कहा मत घबरा और ना डर, उसकी शांति। और कहता है जो शांति मैं देता हूं, उसके नीचे का पद पढ़िए 28, 14, 27, उसके बाद 28 को पढ़िए हमारे साथ, जैसे वो कहता है। और उसके बाद हम जब 28 पद को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। 29 पद पढ़ेंगे, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब यह हो जाए तो तुम प्रतीत करो। आगे, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार आता है, इस संसार का जो सरदार है, बाइबल के कथन के अनुसार शैतान के बारे में कहा गया। किसके बारे में? शैतान का। जो शैतान है वो आता है, पर प्रभु कहता है कि उसका बल मुझ में काम नहीं करेगा, उसकी योजनाएं मुझ में काम। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस संसार का सरदार आता तो है पर उसका बल हम में काम नहीं करेगा। आमीन। तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी और तमाम ऐसी विरोध की बातें आएंगी, पर उसका अधिकार मुझ में कुछ नहीं होगा, आप में कुछ नहीं होगा। यही है ये चीज, क्योंकि यीशु अपनी शांति आपको दे रहा है, यीशु अपना वचन आपको दे रहा है। आमीन। रोमियो 10 अध्याय उसके 11वीं आयत को हमारे साथ पढ़िए। रोमियो 10 उसका 11 को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, वहां पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्या कहता है, वचन क्या कह रहा है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास, उसके वचन पर भरोसा रखेगा, वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। इसका मतलब वो लज्जित नहीं होगा, पर हमें प्रभु लज्जा से बचाएंगे। शैतान इंसानों के अंदर लज्जा देता है, क्या देता है, वो लज्जापन देने का प्रयास करेगा, आपके मन को तोड़ने का प्रयास करेगा, आपके हृदय को, उत्साह को चुराने का प्रयास करेगा, प्रार्थना करने का उत्साह चोरी करेगा, वचन पढ़ने का चोरी करेगा, चर्च आने का उत्साह चोरी करेगा, आपको पीछे ढकेलेगा। कौन? शैतान। इतना याद रखो, प्रभु क्या कहता है वो, कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखे, मुझ पर भरोसा रखे, वो लज्जित ना हो। क्या आप इसे समझ रहे हैं?
देखो आंधियां जब आती हैं तो जो घर कमजोर बने रहते वो क्या हो जाते, उड़ जाते, हट जाते, टूट जाते, हाँ या ना। पर जो घर मजबूत बने रहते वो बने रहते, वो घर नहीं टूटते, उस घर में किसी प्रकार का समस्या नहीं आती है। पर जो घर, जो मकान हल्का बना हुआ आता है, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो उस आंधी में क्या होता है, टूट जाता है। देखिए, लेकिन वो सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को जो घर बनाना चाहिए उसे सोचना चाहिए कि आंधियां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, हमें उसी स्तर पर हमें तैयार होने की जरूरत है। आज जब आप प्रभु के साथ आए हो तो आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो लज्जा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप लज्जित हो गए। वचन में लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। इसका मतलब कि जो समस्या आ रही है वो आपको लज्जा देने तो आ रही है, पर वो आपको, आपसे लड़ेगी। क्या करेगी? वो आपसे लड़ेगी, आपको गिराने का अभ्यास करेगी, आपको तोड़ने का अभ्यास करेगी वो, और लगी रहेगी। पर आपको दूसरी समय, दूसरे रास्तों पर क्या करना है, आपको परमेश्वर के संग क्या करना है। शैतान अपना काम करेगा, विरोध अपना काम करेगा, पर आप अपना काम ईमानदारी से करो। जब आप अपना, अपने कामों को ईमानदारी से करोगे, परमेश्वर के साथ सच्चाई से रहना शुरू करोगे, तूफान आया इसका मतलब कि आप लज्जित हो गए, ऐसा नहीं हुआ है? बीमारी आ गया, लज्जित हो गए, ऐसा नहीं हुआ। जैसा अभी गवाही दिया, पति पत्नी साथ में खड़े हो गए, पति के अंदर जब बीमारी आ गया तो वो लज्जित नहीं हो गया, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं वो फिर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लज्जा का मतलब ये हुआ, अगर आपने उसे स्वीकार कर लिया वो लज्जा लाएगा। अगर आपने कहा ना मैं इसे नहीं लेना चाहता, मैं बुरी चीजों को लेना नहीं चाहता, वो आपके निकट तो आएगा, आपको छुएगा, पर लज्जा नहीं आएगा, क्योंकि वो जाएगा, वापस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन कहें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।